और विश्व के एक लोकप्रिय नेता, रूप से हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे पूज्य, हमारे पथ प्रदर्शक माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सिद्धार्थनगर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में जिले के प्रभारी और नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने शिरकत की। प्रभारी मंत्री ए के शर्मा ने जनपद मुख्यालय के सिद्धार्थ नगर पालिका के वाल्मीकि नगर में सुबह सड़कों की सफाई कर स्वच्छता अभियान की ओर प्रभावी बनाने का प्रयास किया। इसके बाद प्रभारी मंत्री जनपद मुख्यालय स्थित पुरानी नौगढ़ वृद्धाश्रम गए, जहां उन्होंने बेसहारा वृद्ध पुरुष महिलाओं को फल वितरित किया और साल देकर उन्हें सम्मानित किया। प्रभारी मंत्री ने जनपद मुख्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की, जहां महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर केक काटा, मंदिर में पूजा अर्चना की और उनके दीर्घायु होने की कामना की। इसी कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ए के शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 दर्जन से अधिक लोगों को उनके सपनों का घर आवास की चाबियां सौंपी। मीडिया से बात करते हुए प्रभारी मंत्री ए के शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर उनके दीर्घायु होने की कामना करते हुए कहा कि आज पूरे भारत में जितने हर्ष और उल्लास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, इससे उनकी लोकप्रियता का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे भारत में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के एक लोकप्रिय नेता और हमारे व्यक्तिगत रूप से हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे पूज्य, हमारे पथ प्रदर्शक माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर मैं अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता की ओर से, देशवासियों की ओर से, अपने परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ। आज हम सिद्धार्थ नगर में जो लोगों के बीच हैं, सुबह से जनता जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई, शुभकामना और उनके दीर्घायु होने की जो कामना कर रही है, वो दृश्य देख करके मैं बिल्कुल अभिभूत हूँ। अभी हजारों की संख्या में यहाँ लोग एकत्रित थे, इसमें मंदिर में भगवान श्री राम के, माँ दुर्गा के, बजरंगबली के मंदिर में इकट्ठे होकर के माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने उनके दीर्घायु होने की कामना किया और उनका शासन भी चिरकाल तक स्थिर रहे, भारत के प्रधानमंत्री वो लंबे समय तक बने रहें, इस बात के लिए भी सबने मिलकर के कामना किया। हम सभी उस दृश्य के साक्षी बने। यहाँ केक काट करके भी महिलाओं ने उनको केक भी उनके बर्थडे पे काटा और हैप्पी बर्थडे मोदी जी करके उनको नमन किया, उनको साधुवाद दिया। मैं आप सबको भी इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ।